मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो कांग्रेस को वहां ज्यादा बढ़त इस बार मिल रही है, और इसीलिए अब हम रुख करते हैं रतलाम की ओर, क्योंकि यहां ग्रामीण क्षेत्र सबसे ज्यादा आते हैं। तो बात करते हैं रतलाम से हमारे संवाददाता मानस व्यास से। मानस, बताइए कि इस वक्त रतलाम में क्या हालात है मतगणना को लेकर, और किस तरह के रुझान वहां सामने आ रहे हैं, किस तरह के चुनावी आंकड़े अब तक सामने आए हैं रतलाम में? मैडम, रतलाम की 5 विधानसभाओं में सबसे बड़ी जीत रतलाम के विधायक चेतन कश्यप की हुई है। भारतीय जनता पार्टी से चेतन कश्यप हैं और लगभग 42,000 मतों से वो जीते हैं। उसके अलावा सैलाना में हर्ष विजय गहलोत लगभग 5,000 से अभी आगे चल रहे हैं। उसके अलावा ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिलीप मकवाना 5,600 से जीत चुके हैं, और आलोट में मनोज चावला लगभग 5,000 मतों से जीते हैं। मनोज चावला एक पीयून के बेटे हैं और वो जीते हैं केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के बेटे के जितेंद्र गहलोत के सामने। उसके अलावा जी मैम, तो क्या आशंका लगाई जा रही है कि कौन सी पार्टी यहां पर जीत का परचम लहरा सकती है? मैडम, अभी भी भारतीय जनता पार्टी एक सीट और बची हुई है, जावरा की सीट, जहां पर पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे लड़ रहे हैं, और अभी भी वो 200 मतों से लीड पे हैं। तो 100-200 मतों का अंतर अभी दोनों के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चल रहा है, पर कुछ भी कह नहीं सकते हैं कि 2 या 3 का अंतर रहेगा। जी बिल्कुल, फिलहाल जानकारी के लिए धन्यवाद, और लगातार जानकारी के लिए हम जुड़ते रहेंगे आपके साथ।